हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं हरप्रीत पटेल आपसे इस वीडियो में बात करूंगा जिला आवंटन के संबंध में और यूपी टेट की डेट के संबंध में। तो इन दो बातों को मैं इस वीडियो में कवर करूंगा। और अगर आप मेरा चैनल पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन को भी दबाना मत भूलिएगा, जिससे कि आपको नई वीडियोज़ की नोटिफिकेशन समय से मिलती रहे। आप लोग इतना तो कर ही दीजिए कि चैनल अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को शेयर ज़रूर कर दें, जिससे कि ये इन्फॉर्मेशन आने लोगों को भी मिल जाए। तो शुरू करते हैं अपनी बात। तो आपको पता है कि 68,500 शिक्षक भर्ती परीक्षा में 40% और 45% के कटाव के अनुसार 41,556 अभ्यर्थी सफल हुए थे। उसमें से 40,669 अभ्यर्थियों ने अपना आवेदन किया था नियुक्ति पाने हेतु। तो उनके संबंध में जिला आवंटन की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है और वो आज दिखाई देगी वेबसाइट पर। तो उसके विषय में ये न्यूज है, तो पढ़ लेते हैं। जिला आवंटन आज वेबसाइट पर। परिषदीय स्कूलों में 41,556 सहायक अध्यापकों की नियुक्ति के लिए अभ्यर्थियों की जिला आवंटन सूची शुक्रवार अपहरान को वेबसाइट पर दिखेगी। NIC में परिषद के अफसर सूची अपलोड कराने की प्रक्रिया में गुरुवार से ही जुट गए हैं। जिस जिले में आवंटन होगा वहां पर 1 से 3 सितंबर तक काउंसलिंग होगी। परिषद सचिव ने निर्देश दिया है जो अभ्यर्थी काउंसलिंग में शामिल नहीं होंगे उनके अभ्यर्थन पर विचार नहीं किया जाएगा। बेसिक शिक्षा परिषद के प्राथमिक स्कूलों में सहायक अध्यापक भर्ती की लिखित परीक्षा में उत्तीर्ण 41,556 अभ्यर्थियों में से नियुक्ति के लिए 21 से 28 अगस्त तक आवेदन मांगे गए थे। ऑनलाइन आवेदन में अभ्यर्थियों की ओर से भरे गए जिलों के विकल्प, उनके गुणांक, जिलों में उपलब्ध रिक्तियों के प्रति आरक्षणवार काउंसलिंग के लिए अभ्यर्थियों की सूची शुक्रवार अपराह्न से वेबसाइट पर दिखेगी। उस सूची में सम्मिलित अभ्यर्थी आवंटित जिले में 1 से 3 सितंबर के मध्य आयोजित काउंसलिंग में संगत अभिलेखों के साथ प्रतिभाग करेंगे। तो देखिए, आपको आज 12 बजे के बाद जो है दिख जाएगी आपका जिला आवंटन सूची और आप देख सकते हैं कि आपको कौन सा जिला मिला हुआ है। और मैं चाहूँगा कि आप सभी को आपका मनचाहा जिला मिले, जिससे कि आप लोग खुशी खुशी उसमें काउंसलिंग कराएँ। तो ये न्यूज़ थी जिला आवंटन के संबंध में। कल से आप लोग काफ़ी परेशान हैं, तो आज न्यूज़ आ ही गई कि 12 बजे के बाद आप लोग देख सकते हैं कि आपको कौन सा जिला मिला। आगे देखते हैं यूपी टेट के संबंध में क्या न्यूज है। तो अब 21 अक्टूबर को हो सकती है टेट 2018। तो पढ़ते हैं इस न्यूज़ को। उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी यूपी टेट 2018 अब 21 अक्टूबर रविवार को हो सकती है। और अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और लाइक भी ज़रूर कर दें, क्योंकि आपके एक सब्सक्राइब और लाइक से मेरा हौसला बढ़ता है और नई वीडियोस बनाने का मन होता है। तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दें चैनल को। तो शुरू करते हैं फिर से अपनी बात। तो अब 21 अक्टूबर रविवार को हो सकती है प्रदेश की दो बड़ी परीक्षाएं PCS व TET की एक ही तारीख 28 अक्टूबर तय हो गई थी गलती से। तो उस वजह से ये जो परीक्षा है UPTET वो 21 अक्टूबर रविवार को हो सकती है। परीक्षा नियामक प्राधिकारी कार्यालय ने इम्तिहान की तारीख में बदलाव के लिए नया प्रस्ताव शासन को भेज दिया है। उसमें सिर्फ परीक्षा की तारीख बदलेगी, बाकी विज्ञापन ऑनलाइन आवेदन में कोई बदलाव नहीं होगा। बेसिक शिक्षा परिषद के प्राथमिक स्कूलों में सहायक अध्यापक भर्ती की एक और परीक्षा इसी वर्ष कराने की तैयारियां तेज हैं। इस भर्ती में वही अभ्यर्थी सफल हो सकते हैं जो TET उत्तीर्ण हो। ऐसे में पहले शिक्षक पात्रता परीक्षा कराई जा रही है। सचिव डॉक्टर सुत्ता सिंह की ओर से इस संबंध में शासन को प्रस्ताव भेज दिया गया है। तो ये अच्छी बात है कि इतनी जल्दी कार्य हो रहा है। तो पहले जो 28 अक्टूबर को परीक्षा होने वाली थी उसकी डेट 21 अक्टूबर हो सकती है। तो यही न्यूज़ थी यूपी टेट के संबंध में।
तो बस मेरा वीडियो यहीं पर ख़त्म होता है। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ प्लीज़ वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स, आपका मेरे चैनल पर आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।